हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एमके फुटेक में वापस से। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो होने वाली है अगर आप लोग भी अपने वेबसाइट में आप क्रिकेट लाइव स्कोर का विजिट लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं ब्लॉगर में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ब्लॉगर यूज करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहे। वीडियो की स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो पढ़ते अपने वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की हमारी कोई भी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, लिंक पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री में आपको यहाँ पर बहुत सारे विजिट मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे विजिट मिल जाएंगे। जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है, मैंने भी अपने वेबसाइट में लगाया हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने भी लगाया। यहाँ लाइव जो रहेंगे वो भी दिखाएंगे, यहाँ पर अपकमिंग जो रहेंगे उस तरीके से अपकमिंग जो मैचेस रहेंगे यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप भी अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा प्रोसेस, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाने के बाद। यहाँ पर आप लोग पहले अपने हिसाब से चूज कर लीजिए जिस तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री टेम्पलेट मिल जाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने के बाद यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारे कोडेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको साइज पहले जिस साइज में आपको लगाना है उस तरीके का आपको यहाँ पर साइज चूज कर लेना, उसके बाद यहाँ पर कोड को कॉपी कर लेना है पूरे कोड को। तो यहाँ पर कॉपी कोड करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं या पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद अपने ब्लॉगर में चले जाना है, ब्लॉगर में जाने के बाद यहाँ पर आपको लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जाने के बाद जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पर अपने पोस्ट में लगाना चाहते हैं पोस्ट में लगा सकते हैं, साइड बार में लगाना चाहते हैं साइड में लगा सकते हैं, फुट बार में अगर लगाना चाहते हैं तो फुट बार में भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ऐड ए गैजेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐड ए गैजेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा HTML जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर टाइटल पे कुछ नहीं डालना, उसके बाद कॉन्टेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर देना एक बार। उसके बाद सारे कोड को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना, पेस्ट करने के बाद आपको सेव कर देना। सेव करने के बाद तो जैसे आप लोग सेव करेंगे कुछ इस तरीके से आपके वेबसाइट में शो करने लगेगा। तो आप लोग भी यहाँ पर इसके दो फायदे हैं, यहाँ पर आप पहली बात तो यहाँ पर आप जो भी विजिटर आएंगे आपकी वेबसाइट पर ज्यादा टाइम तक यहाँ पर स्पेंड करेंगे तो आपके टाइम अगर वेबसाइट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका रेवेन्यू भी ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर IPL चल रहे हैं जब तक आप लोग इसको लगा सकते हैं, अगर आप लोग बाद में हटाना चाहते हो तो वहाँ पर आप जिस तरीके से आपने प्रोसेस किया वहाँ पर आपको एक रिमूव का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आप लोग जाके उसको रिमूव कर सकते हैं इजिली। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा प्रोसेस है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की कोई भी हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे।